तो लीजिए दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और प्री बोर्ड एग्जाम्स क्लास 10th जनरल इंग्लिश का पेपर आ चुका है दोस्तों, और ये सेक्शन ए स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों हम। और आपको ध्यान रखना है कि एक भी क्वेश्चन दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चनों को आपको अच्छे से हल करना है दोस्तों। सबसे पहले हम पेसेज देखेंगे, मतलब कि पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। सेक्शन 1 देखिए दोस्तों, 5 नंबर की पैसेज है आपकी ये। देखिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ, इट इज़ अ फैक्ट यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट मीन्स जस्टिफाई द एंड। ये वाली जो पैसेज है दोस्तों, अच्छे से आप इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे और नीचे लिखे जो क्वेश्चन है उनके आंसर आप देंगे, ठीक है। ये आपकी पैसेज अच्छे से ध्यान रखना आप दोस्तों। ये आप इसका क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और उसके बाद में ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इन क्वेश्चनों को आप याद करके और अच्छे से लिखेंगे दोस्तों। देख सकते हैं आपका ये क्वेश्चन आ चुका है, और ये मैं क्वेश्चन आपको इसमें पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए पहला, व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स एंड एंड। अगला देखिए, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट, हु इज़ द मोर ब्लेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फैक्ट इज एक्नॉलेज्ड, गिव द नाउन फॉर्म ऑफ परफॉर्म, परफॉर्म्ड, परफॉर्मेशन, परफॉर्मेंस या परफॉर्मिंग, ठीक है। तो ये आपकी पैसेज नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में देखिए दोस्तों पैसेज नंबर 2, इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी क्वेश्चनों के आंसर देना है और इसमें से छांट कर देना है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये भी आपकी 5 नंबर की पैसेज है। प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड दैट द ओनली वे टू गेट राइड एंड मलेरिया कंप्लीटली इज टू गेट राइड ऑफ द मॉस्किटोज विच केस इट। तो इस पैसेज को आप क्या करेंगे, पूरी पैसेज को आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और इसमें से जो ये क्वेश्चन दे रखे, जो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को आप हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके पैसेज नंबर 2 के हैं, ध्यान रखेंगे आप अच्छे से। इन व्हाट प्लेस डज मलेरिया ऑक्यूर मोस्ट। हाउ डज द मॉस्किटो बिगिन इट्स लाइफ एंड वेयर। इन व्हाट प्लेस मलेरिया डज नॉट ऑक्यूर। नेक्स्ट देखिए, द फिल इन द ब्लैंक्स इन द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो। नंबर 5, मलेरिया डज नॉट ऑक्यूर इन कंट्रीज। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए दोस्तों। एक बात मैं आपको बता दूँ, यदि आपको पैसेज नंबर 1, 2 और 3 इसमें किसी भी प्रकार की अगर समस्या आएगी तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना दोस्तों, तो मैं आपको इसके जो आंसर है ना दोस्तों वो आपको बता दूंगा, ठीक है। आप अच्छे से ध्यान रखना, लेकिन पहले मेरे को पूरा क्वेश्चन पेपर बताना है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो आपके सामने है दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर मैं पहले बताऊँगा, इसके बाद में अगले वीडियो में आपके आंसर बता दिए जाएंगे यदि आप कमेंट करोगे तो। चलिए देख लीजिए अनसीन पैसेज नंबर 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये भी आपकी 5 नंबर की पैसेज है दोस्तों। हेलेन केलर लॉस्ट हर आई साइट एंड हियरिंग एट द एज ऑफ 2 बिकॉज ऑफ एन इलनेस, बिकम डीफ। तो ये आपको पूरी अच्छे से क्या करना है, अच्छे से इस पैसेज को पढ़ेंगे, और ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, देख सकते हैं इस पैसेज के क्वेश्चन आ चुके हैं। ये यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, सारे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताऊँगा। पैसेज आप एक बार जल्दी से क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये पैसेज मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए डायरेक्टली मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए इसके क्वेश्चन, और उसके बाद में सेक्शन बी स्टार्ट होगा इस पेपर का। देख सकते हैं आप इसमें क्वेश्चंस, हाउ डू वी लर्न टू स्पीक, हु वाज हेलन टीचर, हाउ डिड मिस सुलेवान हेल्प हेलन, एंड 4 है, व्हेन डिड हेलन केलर लॉस हर आई साइट एंड हियरिंग। नेक्स्ट देखिए, विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन्स वन हु इज़ नॉट एबल टू सी, जो नहीं देख सकता, ठीक है। वन हु इज़ नॉट एबल टू सी वो क्या कहलाएगा दोस्तों, देख ही नहीं सकता, वो क्या कहलाएगा, ब्लाइंड, क्या कहलाएगा, ब्लाइंड, ठीक है। अब सेक्शन बी देख लीजिए, सेक्शन बी में आपको क्या करना है देख लीजिए अच्छे से। इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यू आर श्याम शर्मा स्टूडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इसमें आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन लिखना है, और अथवा में दिया है, मतलब दोनों में से एक करना है। यू आर मनीषा वर्मा रेसिडिंग एट
20 विजयनगर भोपाल, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अमित इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडेज ब्रदर्स मैरिज। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 में लेटर और एप्लीकेशन करना है जो कि राइटिंग से रिलेटेड है। अब नंबर क्वेश्चन 5 देख लीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या हल करना है समझ लें। रीड द पैसेज केयरफुली एंड डू एज इंस्ट्रक्टेड इन ए एंड बी ब्लो द पैसेज। ठीक है, अब समझ लेना आप इसको, इस पैसेज को अच्छे से आप क्या करेंगे, हल करेंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन है इसमें, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। एक क्वेश्चन तो ये, ऑन द बेसिस ऑफ यूर रीडिंग ऑफ द एबव पैसेज मेक नोट्स, मतलब कि इसका एक तो नोट्स बनाना है आपको, ठीक है, एंड सप्ली ए सुइटेबल टाइटल, नोट्स बनाना है और एक टाइटल देना है। क्या करना है, नोट्स बनाना है, एक टाइटल देना है, और दूसरा क्वेश्चन, नाउ राइट ए समरी लुकिंग एट द नोट्स। तो इसमें से आपको समरी भी करना है, मतलब कि नोट्स जो बनाओगे ना उसमें से आप क्या कर दोगे, समरी भी आप इसकी लिख दोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपको क्या करना है, समरी बनानी है, सप्ली जो टाइटल सुटेबल टाइटल देना है, और उसके बाद में याद रखना कि एक नोट्स भी इसमें आपको बनाना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये मैं बता दूं कि 7 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। कितने नंबर का, 7 नंबर का। देखिए, डेवलप एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक सेव वाटर विद द हेल्प ऑफ द गिवन हिंट्स, मतलब कि आपको सेव वाटर, SAVE, सेव वाटर, सेव वाटर पे आपको क्या बनाना है, एक आर्टिकल बनाना है, एक आर्टिकल बनाना है। और ये पॉइंट दिए हैं, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, कलेक्ट रेन वाटर ऑन रूफ टॉप, नेक्स्ट देखिए, स्टोर रेन वाटर इन अंडरग्राउंड टैंक्स, टर्न ऑफ टेप वाइल ब्रशिंग टीथ, कलेक्ट वाटर आफ्टर वॉशिंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड क्रेल्स ऑफ गार्डनिंग, डू नॉट ओवर यूज बोरवेल, वॉश व्हीकल्स विथ वाटर इन ए बकेट, रीयूज वाटर आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स, है ना। तो ये आपके इसमें कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट दिए हैं, मतलब प्रत्येक पॉइंट एक नंबर का है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। और इसके अथवा में जो दिया है वो समझ लो, अथवा में ये चीज़ें दी गई है, समझ लेना ये वाली। इसके अथवा में क्या दिया है, राइट एन ऐसे इन 200 वर्ड्स, 200 शब्दों में ऐसे लिखना है ना। तो COVID-19 इन इंडिया, माई फेवरेट पर्सनैलिटी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एज, ये 4 जो निबंध दिए हैं इनमें से आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है, एक निबंध आपको लिखना है, अच्छी तरह से लिख देना है। ठीक है, अगला देखिए, सेक्शन सी जो ग्रामर सेक्शन है दोस्तों, आपका ग्रामर सेक्शन भी आ चुका है, अच्छे से देख लीजिए आप पूरा। फिल इन द ब्लैंक्स बाई चूसिंग द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द ब्रैकेट एनी 5, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज, के बाद में द आ जाएगा, सचिन हैज 2 पेन्स हिज पॉकेट, सी इज फुटबॉल प्ले प्लेट प्लेइंग, तीनों में से एक आएगा वो करना है आपको, हिज फादर इज MP, तो ए आएगा या एन आएगा या द आएगा, इसमें से आपको लिखना है। आशु इज सिटिंग रवि एंड हरी, नेक्स्ट देखिए, आई डोंट हैव मनी सम और एनी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का ए वाला कंप्लीट हुआ। बी वाला देख लीजिए, बी में क्या है, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, इसमें भी एनी 5 करना है, इसमें भी एनी 5 करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें एनी 5 क्या क्या करना है, देख लीजिए, आई कम इन सर, तो इसमें मे आएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, ही डज नॉट हिज वर्क, तो डू या डज, द बॉय डिड नॉट कम टू स्कूल, खालिस्तान दे दिया है, ही वॉज इल, नेक्स्ट देखिए, द न्यूज़ ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड, आई सॉ ए मैन लेग्स वॉज ब्रोकन, हु और वूज का प्रयोग करना है, यू वर्कड हार्ड यू विल नॉट पास अनलेस और इफ का यूज करना है, सी इज फाउंड ए सॉन्ग, तो टू सिंगिंग सिंगिंग, तो ये आपको इसमें करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आ गया दोस्तों, डू एज डायरेक्टेड है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में, ये भी ये है कितने नंबर का, 5 नंबर का आपका डू एज डायरेक्टेड आ चुका है। राधा डज हिज हर होमवर्क चेंज इन टू नेगेटिव करना है, यू सिंग ए सॉन्ग चेंज इन टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, माई ब्रदर इज़ वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, सोहन टेल द लाई मेक द सेंटेंस इम्पैथिक, राइट सी राइट्स ए लेटर चेंज इन टू पैसिव वॉइस, बेस्ट इज द ऑनेस्टी पॉलिसी, तो इसमें आएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आप इसमें कर देंगे, किसमें, इसमें, दे फाउंड अ पोर्ट, द पोर्ट कॉन्टेंट 1000 गोल्ड कॉइन्स, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग विच का यूज़ करके आपको उसको कंबाइन कर देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा डू एज डायरेक्टेड करना
है आपको कितना एनी फाइव करना है, कंप्लीटेड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है आपका आपके सामने। देखिए मेरे पास दो पेन हैं, ठीक है, मेरे पास दो क्या है, पेन है, आई हैव TWO2 पेन्स। रहीम कार चला सकता है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो इसका बनेगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, WEAR DO YOU LIVE, सुबह से वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग। लड़कियाँ गाना गाएगी, क्या तुम तैर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके क्या है, आपके ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है, तो इनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, 5 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसको आपको पढ़ना है और आंसर इनको देना है, इन क्वेश्चनों को। मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, इतनी देर में आप ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर क्वेश्चन के आंसर लिख देना। नेम द लेसन फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, फाइंड आउट द वर्ड विच मीन मनी हंगरी, दे बरीड द मनी अंडर द रॉक, अंडर ए मैंगो ट्री, अंडर ए बनियान ट्री, व्हाट वाज द प्लान ऑफ कुबुद्दी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या करना है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, और ये जो क्वेश्चन दिए इनके आंसर आपको देना है। ममता हैड बीन स्टडिंग इन अ, देखिए इस प्रकार से याद अच्छा करेंगे हम, ममता हैज बीन स्टडिंग इन अ स्मॉल स्कूल इन द नियर बाई टाउन टिल देन। तो देखो इसमें क्या आएगा, स्मॉल स्कूल आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको उसी में से पढ़ना है और उसी में से आंसर देना है। अगला देखिए, फॉर्म विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन, द ट्रिब्यूट द न्यू प्लेयर इन द टीम वन स्टेप अहेड, ममता यर्ड ऑफ फ्रेंड बिकॉज, ठीक है। ये आपके ऑप्शन दिए हैं, इनमें से करना है। चौथा देखिए, वाई डिड द गर्ल्स इन द स्कूल अवॉइड ममता कंपनी। तो ये 11वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, अब मैं बता रहा हूँ 12वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ये है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, मतलब कि 30 शब्दों में आपको आंसर देना है। व्हाट डिड 3 रिवोल्यूशनरीज डू वाइल गोइंग टुवर्ड्स द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, अथवा भी दिया है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द डॉक्टर्स वर्ड्स ऑन द ट्रिबली बर्नट बॉय। नंबर बी वाला देखिए, व्हाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू दिल्ली, हाउ डिड पीपल लिव इन द विलेजेस ड्यूरिंग द राइटर्स चाइल्डहुड। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज भामाशाह, डिस्क्राइब हिज क्वालिटीज, एंड नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ महाराणा प्रताप। क्वेश्चन नंबर 14, रीड द स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन ब्लो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ये स्टेंजा क्या करना है, कंप्लीट करना है, और ये क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर देना है। ये आपको पढ़ना है ना यहाँ तक। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, डार्कनेस इन द स्टेंजा स्टैंड फॉर, चेंज माई डार्कनेस टू द लाइट स्टैंड फॉर। तो जो भी इसका करेक्ट आंसर है वो आपको लिखना है इसी में से देखकर। 1, 2, 3 क्वेश्चन दिए, लाइट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इग्नोरेंस या नॉलेज। एंड नेक्स्ट है, नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम, मतलब कि इस पोएम को लिखने वाले पोएट का आपको नाम लिखना है। ये 14वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। 15वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, और पूरे के आंसर भी, मतलब कि जो नंबर है नंबर सामने ही दे रखा है, जो कि मैंने पहले बता दिया था, सबके नंबर आपको उनके जस्ट सामने मिल जाएंगे, ये देख सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, हु इज़ ग्रेटर देन अ किंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्क ऑफ द विंड एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। नंबर 16 देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 वर्ड्स, हु टेक्स द काइट्स हाई, वेयर डू द विंडोज ओपन, व्हाट शुड बी ए प्रॉपर रिप्लेसमेंट फॉर वार कल्चर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स, व्हाई डिड द वुमन स्टार्ट रनिंग, व्हाट आर द थिंग्स दैट सीम्स मूविंग फास्टर देन फेरीज एंड विचेस। एंड नेक्स्ट देखिए, हु वाज अल्फ्रेड नोबल, एंड इट इन व्हाट प्लेस डज मलेरिया ऑक्यूर मोस्ट। एंड नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18, आंसर द एनी 2 क्वेश्चन, मतलब कि दो क्वेश्चनों का आंसर करना है आपको, कितने वर्ड में, 30 वर्ड में, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी एंड व्हाई, व्हाट डिड अशोका डू। अगला देखिए,
व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गोट, ठीक है, ये 18वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है और ये पूरा का पूरा जो पेपर है दोस्तों ये आपका मैंने बता दिया, ठीक है। और अगर आपको आंसर चाहिए तो आप कमेंट करके मेरे को बता देना कि सर हमें आंसर भी चाहिए, तो जितना हो सकेगा मैं आंसर आपको ज़रूर उपलब्ध करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।